नमस्कार भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देसी जादौन पिग फार्मिंग में। आप खैरियत होंगे। आज आपको हम दिखाते हैं अपने बच्चे और मादा किस तरह का फार्मिंग है। बहुत देर हो गई वीडियो बनाए, आज हम बस ऐसे ही थोड़ा काम की वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज हम अपने फार्म के पूरे फार्म की पूरी वीडियो को दिखाएंगे आपको। ठीक है, कितने दिन के बच्चे हैं, कितने दिन में तैयार होते हैं, कितने बच्चे कितने दिन में तैयार हो पाएंगे, किस तरीके से, कौन सा तरीका तैयार होने का बढ़िया है, कौन सा ख़राब है, किस तरीके से लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बच्चे पे। देखो, ये देखो बच्चे, ये भाई साहब 40 बच्चे अभी तैयार हुए हैं, लगभग 20-25 की रेंज के बच्चे हैं। इस तरीके से ही सफाई होनी चाहिए। कमरा छोटा है, लेकिन ये कमरा भी बड़ा होना चाहिए। खाने पीना और सफा खाना ही सब कुछ नहीं होता, सफाई और घूमना फिरना भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, घूमने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, खाने पीने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और सफाई से तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, ये देखो, ये दूध पैसे हट के आए हैं, इनको 20 दिन हो गए हैं दूध पैसे हट के आने के बाद। ठीक है, अभी खस्सी नहीं हुए हैं, खस्सी होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये लगभग 45 दिन में दूध से हटे थे, और एक महीना हो गया, मतलब 30 दिन, ये 30 और 30 60 तो 70 और 75 दिन के बच्चे हैं टोटल ये भाई साहब। उसके बाद ये आ रहे हैं, इनको हो गया लगभग लगभग 3 महीने हो गए, इनको दूध में से 3 से 4 महीने हो गए, फीड पे भी है, राशन पे भी है, दोनों चीज़ में है ये। तो ये इनका 35 से 40 किलो का वेट है। उसी तरीके से ये रहे, उनमें से ही कुछ बच्चे हैं, एक मादा के भी बच्चे हैं, एक मादा के भी बच्चे हैं, उसमें कुछ। ठीक है, ये दूध पैसे हटके आए हैं, उनको 2 से 3 दिन हो गए हैं दूध पैसे हटके आए हैं, छोटे बच्चे हैं ये। इनके पास में वैसे ही एक छोटी सी मादा डाल रखी है, थोड़ी तबीयत खराब थी इस वजह से ये कमरा चेंज कर दिया है, साफ कर दिया है, इसमें मादा लेके आएंगे, दूसरी डालेंगे स्लीपर रूम की वजह से। ये दोनों मादा ब्याही हो रहे हैं, इस स्लीपर रूम में बच्चे हैं, इसको ब्याही अभी हो गए 10-15 दिन हो गए, 14-15 दिन हो गए, इसको ब्याही 15 दिन हो गए, एक को 14 दिन, एक को 15 दिन, दोनों मादा बच्चे इस स्लीपर रूम में इसके। ये हमारा नए तरह का बोर है, यहाँ सांड रखा है मादा क्रॉसिंग के लिए, उसी के बच्चे थे वो जो अलग हटाए हैं, इस मादा के क्रॉसिंग के लिए आई है सांड है। ये मादा है हमारी, इसको गया है 5 से 6 दिन हो गए, इसके वो बच्चे हैं, ये रे बच्चे 6 दिन के बच्चे हैं, ये 10 बच्चे हैं टोटल। ये मादा है, बड़े एक नंबर की मादा है, मादा है, उसके बाद एक मादा ये भी हमारी, ये रे बच्चे इसके, ये देखो 11 बच्चे हैं ये। ये ब्याहने वाली है, 4 से 5 दिन लगेंगे इस मादा को ब्याहने के, ब्याहने के लिए तैयार है ये मादा। एक कमरे में अकेली मादा रखने से बहुत बेनिफिट होता है। ये कटिंग का माल है, 80 से 90 किलो के वजन का वेट का वजन का बच्चा है, तैयार हो चुका है, जो कि अभी इसको और टाइम लगाएंगे थोड़ा, उसके बाद बेच देंगे इसको, मतलब क्वांटल पे बेच देंगे इसको, लगभग 15 से 20 दिन और रखेंगे। ये सारा कटिंग का माल है, 14 बच्चे हैं ये, कटिंग के लिए तैयार है बिल्कुल। ये मादा है, क्रॉस हो चुकी है, ये छोटा सांड है, इसमें क्रॉस हो चुकी है, अभी थोड़ी वैसे ही डाल रखी है। अभी जो हमने कमरा बढ़ाया है ना, वो ये है,
एक हमने एक चीज़ और बनाई है अब की बार, एक उस कमरे में छोटे वाले में एक इसमें पानी की टूटी लगाई है बच्चों के लिए, इससे क्या होगा बच्चे ढंग से पानी पी पाए, साफ पानी पी पाएंगे गर्मी में। ये निप्पल होती है, तो इस निप्पल में किस तरीके से पानी पीते हैं वो भी बताएंगे हम आपको। इस तरीके में इस निप्पल में क्या होता है, ऐसे मुँह डालता है, इसमें ऐसे मुँह डालता है जानवर और ऐसे पानी निकलता है, ठीक है, गर्मियों में, और साफ पानी रहता बिल्कुल। ये देखो साफ़ पानी रहेगा, पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें खुले रह पाते हैं पूरी तरीके से, कमरा पूरा खुला हुआ कमरा है, बाहर रहें बाहर रहो, भीतर रहें भीतर रहो, ठीक है भाइयों। इसके बाद में ये बड़ी खोर बनी हुई है, उसके बाद में अंदर सोते हैं सारे बच्चे, देखो अंदर की तरफ ये रखते हैं, पूरा बड़ा कमरा हॉल है अपनी तरह का, जैसा हम खुद अपना हॉल रखते हैं, अंदर से छोटा गेट होगा। उसके बाद में ये देखो इस तरीके से बच्चे दौड़ पाते हैं, ये डबल साइज के हैं, इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं, चेंज भी होंगे बच्चे, ठीक है। ये फुल वेस्टेज पे हैं बच्चे, थोड़ा फीड वगैरह डाल देते हैं जिससे लेटरिन वगैरह थोड़ी टाइट आएगी, लीवर सही काम करेगा उसी तरीके से, ठीक है भाइयों। ये रे इस तरीके से घूमते रहते हैं बच्चे, चलते रहते हैं आराम से, ना ही गंदे हो पाते हैं और ना ही ज़्यादा कोई दिक्कत आती है इनमें। ये देखो और डायरेक्टली अंदर जाते हैं, सीधे बाहर आते हैं अंदर जाते हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, थोड़ा बहुत डोलते हैं बस गर्मी वगैरह में, अंदर ही चले जाते हैं, ठीक है भाइयों। खस्सी भी कर रहे हैं कुछ, बगैर खस्सी भी हैं, सभी तरह के हैं।